आपको जानकारी दे दे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ओटीएस पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात, और ये फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि दोनों की मुलाकातों की तस्वीर भी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के लिए ओटीएस पहुंचे हैं और दोनों के बीच में मुलाकात। और आपको बता दें कि जयपुर से जोधपुर जाने का भी दोनों का कार्यक्रम है। जोधपुर एम्स का चौथा दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी शिरकत करेंगे उस कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रही हैं वो ओटीएस की है, जहां पर खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात। तो खास तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे होंगे और साथ ही आपको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, देखिए तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और तस्वीरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रही हैं और दोनों का ही जयपुर से जोधपुर जाने का भी कार्यक्रम है। क्या कुछ जानकारी ऐश्वर्य आपके पास? देखिए, चूंकि उनका कार्यक्रम सीधे जोधपुर जाने का था लेकिन जोधपुर न जाकर मौसम खराबी के चलते उन्हें जयपुर आना पड़ा और जयपुर में वो देर रात आए। देर रात आकर यहाँ पर रुके और अभी जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और मनसुख मांडविया की बातचीत हुई तो उस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आमंत्रित किया और मनसुख मांडविया मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री से उनकी जो बातचीत है स्वास्थ्य महकमे से जुड़े विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर चल रही है और यहाँ इस बातचीत में क्योंकि केंद्र के और राज्यों के कई विषय होते हैं, महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उन विषयों को लेकर बातचीत की जा रही है। योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की योजनाएं जो पिछली भाजपा सरकारों की स्वास्थ्य की योजनाएं हो या फिर पिछली बार अशोक गहलोत ने भी अपने लिहाज से योजनाएं दी थी, उन योजनाओं की क्या स्थिति है उनको लेकर बातचीत हो रही है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वास्थ्य महकमे की पहले ही बैठकें ले चुके हैं, उन्हें मालूम है कि राजस्थान का चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की क्या स्थिति है। इसी को लेकर यहाँ पर बातचीत दोनों में की जा रही है और दोनों साथ साथ रवाना होंगे एम्स के लिए और उसके बाद मुख्यमंत्री आज ही जयपुर लौटेंगे। मनसुख मांडविया का आज का यह दौरा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि एम्स जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और अभी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दोनों के बीच में चाय पर बातचीत हुई है और मंत्रणा हुई है। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, दोनों के बीच में चर्चा हुई और ऐश्वर्य सभी कहा जा रहा है कि जोधपुर की तर्ज पर जयपुर में एम्स का भी प्रस्ताव मनसुख मांडविया के सामने रखा जाएगा। देखिए, जोधपुर की तर्ज में जयपुर में एक बेहद आवश्यक है एम्स क्योंकि जोधपुर जो है वो पूरे मारवाड़ को कवर कर लेता है। उदयपुर संभाग के लोग तो अमूमन अहमदाबाद भी निकल जाते हैं क्योंकि उनके लिए जयपुर से ज्यादा नजदीक अहमदाबाद भी पड़ता है, तो लेकिन जयपुर जो है अगर जयपुर में एम्स होता है तो उसका फायदा पूरे शेखावाटी को मिलता है, पूरे ढूंढाड़ को मिलता है, ब्रिज को मिलता है और हाड़ौती का एक बड़ा हिस्सा है वो भी ज्यादा दूर नहीं है उसको भी मिलता है। इसलिए जयपुर में महती आवश्यकता है और मुझे लगता है जो डबल इंजन की सरकार बताया जा रहा था दोनों सरकारों को, तो दोनों मिलकर इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठाकर उसे जल्द ही धरातल पर लेकर आएंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि